हेलो बच्चों वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस तो बच्चों हम देख रहे हैं क्लास टेंथ की फ़िजिक्स में ह्यूमन आई का चैप्टर सो so, आज हम देखेंगे पेज नंबर 197 और 198 के ऊपर दिए गए चार क्वेश्चंस को जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स हर वीडियो की टाइम टू टाइम मिलते रहें तो चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिस इज ड्यू टू कि जो आई है वो दूर की भी चीज को क्लियरली देख लेती है और पास की भी चीज़ को क्लियरली देख लेती है अब ये होता किस वजह से ये पूछ रहा है क्वेश्चन तो ये होता किस वजह से ये होता है बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ अब फोकल लेंथ को चेंज करने की जो पावर है उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन ठीक है सो दिस इज वॉट इट इज द पावर टू चेंज द फोकल लेंथ ठीक है सो इट इज दावर टू चेंज द फोकल लेंथ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कि जो ह्यूमन आई है वो इमेज को कहाँ पे बनाती है तो हमने देखा था अभी पीछे प्रीवियस वीडियो पे अगर सपोज है कि ह्यूमन आई कुछ इस तरह से है तो इमेज कहाँ बनती है इस पोर्शन पे ये जो है इधर और ये क्या होता है दिस इज रेटिना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल रेटिना आंसर डी then the least distance of a distinct vision for young adult with normal vision is about least distance मतलब near point पूछ रहा है इसमें तो near point क्या होता है generally हम क्या लेते हैं आई का इट शुड बी ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो नियर पॉइंट क्या होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो आंसर आ जाएगा इसका सी ठीक है और नियर पॉइंट क्या होता है जितने पे एक नॉर्मल ह्यूमन आई एडल्ट आई क्लियरली देख सकती है देन फोर्थ इज द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ अब किससे होती है देखो आंसर तो इसका है सी सिलेरी मसल से होता कैसे आ, अगर सिलेरी मसल्स रिलैक्सड हैं आई लेंस थिन हो जाता है इसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाती है और अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो आई लेंस थिक हो जाता है और फोकल लेंथ कम हो जाती है सो इट इज ड्यू टू ciliary muscles the change in focal length of an eye lens is caused by the action of ciliary muscles so these are the four questions which are given on page number 197-198 in the next video we will see question number 5 and question number 6 so thank you for watching the video please subscribe to our youtube channel for more such tutorials thank you hello bachcho welcome to easy school classes so we are looking chapter क्लास टेंथ की फिजिक्स में चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 197, 198 के ऊपर दिए गए दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके तो क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है क्या अ पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर माइनस फाइव पॉइंट फाइव डायोप्टर फॉर करेक्टिंग इट्स डिस्टेंस विजन फॉर करेक्टिंग हिस्स नियर विजन ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर वन पॉइंट फाइव डायोप्टर ना वट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग बोथ डिस्टेंस एंड नियर विजन सो दोनों केस में हमें फोकल लेंथ निकालनी है जो लेंस की जरूरत होगी तो चलो सॉल्व करते हैं पहले फॉर डिस्टेंस विजन अब डिस्टेंट विजन के लिए पावर क्या गिवन है सो गिवन पावर P इज इक्वल्स टू माइनस फाइव पॉइंट फाइव डायोप्टर तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है पावर इज़ वन ओपन फोकल लेंथ इन मीटर ठीक है सो so ये फार्मूला जो लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का टॉपिक था वहाँ पे भी हमने देखा था सो so, अगर आपने वो नहीं देखा तो ये फॉर्मूला होता है ये पी होता है पावर एफ होती है फोकल लेंथ इन मीटर्स ठीक है so, सो इसमें वैल्यू रखो पावर क्या दी हुई है माइनस फाइव पॉइंट फाइव सो वन ओवर एफ और एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन ओवर फाइव पॉइंट फाइव सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एफ की वैल्यू मिलेगी माइनस जीरो पॉइंट वन एट वन मीटर्स और अगर आप इसको सेंटीमीटर में करना चाहो तो माइनस एटीन पॉइंट वन सेंटीमीटर सो दिस विल बी दी फोकल लेंथ फॉर डिस्टेंट विजन सो डिस्टेंट विजन के लिए जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई या तो आप मीटर में लिखो माइनस पॉइंट वन एट वन या फिर सेंटीमीटर में माइनस एटीन पॉइंट वन सेंटीमीटर्स अब इसमें जो माइनस साइन है वो क्या शो कर रहा है माइनस साइन इज शोइंग दैट इट इज अ कॉन्केव लेंस सो माइनस साइन इज शोइंग दैट इट इज अ कॉन्केव लेंस ठीक है नाउ लेट अस सी फॉर क्वेश्चन ऑफ नियर विजन सो नियर विजन में पावर कितनी गिवन है प्लस वन पॉइंट फाइव सो अगेन वी विल यूज़ द सेम फॉर्मूला सो वन पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ इन मीटर्स और एफ इज इक्वल्स टू वन ओवर वन पॉइंट फाइव तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन मीटर्स सो नियर विजन के लिए जो फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है अब क्योंकि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस ठीक है सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन क्या गिवेन फार पॉइंट ऑफ ए माओपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई कि एक मायोपिक आई का फार पॉइंट दिया हुआ 80 सेंटीमीटर सो वट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम तो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस ना कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट माओपिया एक चीज तो ये है कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट माओपिया एंड the focal length should be like that focal length should be such that the lens produces a virtual image of an distant object or the object at infinity एट द फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई ठीक है सो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकोगे तो स्टेटमेंट क्या है द कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट माओपिया ये तो पता है ना फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए कि लेंस एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करे एक ऑब्जेक्ट की जो इंफिनिटी पे है और वो इमेज कहाँ प्रोड्यूस होनी चाहिए जो मायोपिक आई का फायर पॉइंट है ठीक है अब इस स्टेटमेंट को देखते हम इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे अब फायर पॉइंट क्या गिवन है फायर पॉइंट इज गिवन माइनस एट्टी सेंटीमीटर माइनस में क्या ले रहा हूं क्योंकि टू द लेफ्ट ऑफ आई है या लेंस कह लो आप इसे तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा दैट इज वी या जिसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस वो कितना होगा माइनस एट्टी सेंटीमीटर यही तो काम ने कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करेगा कहाँ पे फार पॉइंट पे तो दोनों बराबर होंगे यू जो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या है इस केस में हम ले रहे हैं इन्फिनिटी जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सो so, यू कितना है इन्फिनिटी तो अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ तो बाय यूजिंग द लेंस फार्मूला जो प्रीवियस चैप्टर में हम देख चुके हैं लेंस फार्मूला क्या होता है लेंस फार्मूला होता है वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इक्वल्स टू वन ओवर एफ सो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इज़ इक्वल्स टू वन ओवर एफ सो वन ओवर माइनस एट्टी माइनस वन ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ और एफ कितना आ गया यहाँ पे सिंपल माइनस एट्टी सेंटीमीटर्स या जिसको आप कह सकते हो माइनस जीरो पॉइंट एट फोकल लेंथ ऑफ दी लेंस जो कि इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर देगी माइनस साइन है तो सिंपल सी बात है कौन सा लेंस है ये कॉन्केव लेंस है और वो हमें पता ही है कि माओपिक आई को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस का हम यूज करते हैं अब इसकी पावर कितनी होगी सो पावर पी का फॉर्मूला क्या होता है वन ओवर एफ इन मीटर्स ठीक है ना सो पावर इज इक्वल्स ओवर लेना तो यानी माइनस जीरो पॉइंट एट लेंगे सो so ये कितनी आएगी माइनस डेट विल बी वन पॉइंट टू फाइव डी तो पावर जो होगी लेंस की जो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करेगी करे वो हो, कितनी होगी माइनस वन पॉइंट टू फाइव ठीक है सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें बेसिकली ये जो लाइन थी ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर सेवन एंड वी विल ऑल्सो सी क्वेश्चन नंबर एट सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माइ यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टूटोरियल थैंक यू हेलो बच्चो वेलकम टू ईजी स्कूल क्लासेस क्लास टेंथ की फिजिक्स में हम देख रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की एन की बैक एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन पेज नंबर 197 198 पे दिए गए क्वेश्चन नंबर सेवन और क्वेश्चन नंबर एट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे सो क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन है मेक ए डायग्राम टू शो हाउ हाइपर इज करेक्टेड नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई इज वन मीटर तो वट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट अज्यूम दैट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो सबसे पहले तो डायग्राम देखते हैं हाइपर मेट्रोपिक आई का तो हाइपर मेट्रोपिक आई का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है अब ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा हुआ है एट नियर पॉइंट जो कि कितना होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो एक हाइपरमेट्रोपिक आई में उसकी इमेज रेटिना पे नहीं बनके रेटिना के बियॉन्ड बनती है सो इन दिस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना ठीक है तो हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है एक ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि नियर पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर रखा है उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बनती है तो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसकी एक चीज क्या होती है कि जो उसका नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है तो अस से एक हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो यहां पे है जिसको मैं कह देता हूं एनडैश और ये क्या है ये ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर है सो इट इज मोर देन 25 सेंटीमीटर ठीक है सो दिस इज नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई ठीक है तो जो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक आई का है अगर यहां पे है ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो जो इसकी इमेज बनेगी वो रेटिना पे बनेगी सो दिस इमेज विल बी फॉर्मड ऑन रेटिना तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना है अगर हम इसके आगे एक लेंस ऐसा लगाएं कि जो उसकी वर्चुअल इमेज है उसको यहाँ पे बना दे एट द नियर पॉइंट ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपिक आई तो हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं ठीक है तो करेक्शन के लिए क्या करना है बेसिकली वी हैव टू मूव और वी हैव टू प्लेस एंड लेंस सो दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर विल बी फॉर्म एट द नियर पॉइंट ऑफ हाइपर आई. तो करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं करेक्ट करने के लिए हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं सो लेट एस सी दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस जो हमने लगा दिया अब इस लेंस से क्या होगा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर पे था जिसका ऐसे बन रहा था ये अब इसकी जो एक वर्चुअल इमेज है वो कहाँ क्रिएट होगी एट दिस पॉइंट और वर्चुअल इमेज जब यहां पे क्रिएट होगी तो जिसकी नॉर्मल इमेज होगी वो कहाँ क्रिएट क्रिएट होगी एट रेटिना तो इस कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म एट एंडश के नियर पॉइंट जो कि मोर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर इज हाइपर मेट्रोपिक आई का सो इन दिस वे दाइपर मेट्रोपिक आई इज करेक्टेड मैंने एक सिंगल डायग्राम में आपको बना के दिखाया आप तीन अलग अलग डायग्राम्स भी बना सकते हो ठीक है नौ द क्वेश्चन इज अगर नियर पॉइंट एक हाइपर मेट्रोपिक आई का वन मीटर है दैट मीन्स वॉट ट मींस की क्वेश्चन हमें गिवन है ये जो एन डैश है वो वन मीटर है माइनस लेंगे क्योंकि लेफ्ट ऑफ दी आई है तो यानी जो इमेज का डिस्टेंस है वी वो भी माइनस वन मीटर है क्योंकि हमने क्या कहा वर्चुअल इमेज कहां बननी चाहिए एट दिस पॉइंट सो वी माइनस वन मीटर है नाउ कितनी पावर का लेंस चाहिए करेक्ट करने के लिए जबकि जो नियर पॉइंट है वो पच्चीस सेंटीमीटर डेट मीन्स वॉट जो यू है वो क्या है पच्चीस सेंटीमीटर यू इज माइनस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर माइनस क्यों लेना क्योंकि सब नेक लेफ्ट साइड पर इस लेंस के आई के लेंस से लेफ्ट साइड पर हम ले रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो फोकल लेंथ निकालेंगे तो बाई यूजिंग देंथ फॉर्मूला क्या होता है वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ सो माइनस वन ओवर हंड्रेड इसको अब मैं कर दूंगा माइनस वन हंड्रेड सेंटीमीटर क्योंकि यू भी मुझे सेंटीमीटर में किए सो माइनस वन ओवर हंड्रेड माइनस माइनस वन ओवर ट्वेंटी फाइव इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ़ और वन ओवर एफ इज इक्वल्स टू वन ओवर हंड्रेड माइनस प्लस वन ओवर ट्वेंटी फाइव सो हंड्रेड को एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो गया माइनस वन प्लस फोर और एफ इज इक्वल्स टू हंड्रेड ओवर थ्री विच इज इक्वल्स टू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर्स सो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर्स आ गया या फिर जीरो पॉइंट थ्री फोर मीटर सो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो करेक्ट करेगी किस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिक मेट्रोपिकाइक हो जिसका की नियर पॉइंट क्या है वन मीटर है अब पावर क्या होती है पावर होती है वन ओवर एफ इन मीटर्स सो पी इज इक्वल्स टू वन ओवर जीरो पॉइंट थ्री फोर विच इज इक्वल्स टू थ्री पॉइंट जीरो डायोप्टर्स तो पावर क्या होगी उस लेंस की थ्री पॉइंट जीरो डायोप्टर्स दिस इज डी ये डी है सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन सो क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन क्या है वाई इज अ नॉर्मल आई कैन नॉट सी और नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मतलब कि हम क्या कहते हैं कि जो आई का नियर पॉइंट है वो क्या होता है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सो इसका मतलब क्या है अगर एक सिंपल सी हम आई लेते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है जो कि पच्चीस सेंटीमीटर पे है तो उसकी इमेज क्लियरली कहां बनेगी रेटिना के ऊपर ये हम कहते हैं ठीक है बट अगर इससे पहले रखा हुआ है मतलब अगर यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्लियरली नहीं बनेगी ठीक है तो ऐसा क्यों होता है सो ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस लेस देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर आर नॉट क्लियरली विजिबल अब वो पूछ रहा है कि ऐसा होता क्यों है क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा होता क्यों है अब देखो जो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या होता है कि आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो थोड़ी सी नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि जो, जो लेंस है वो बहुत ज़्यादा थीक होता है जिससे कि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ती है बट एट ए पॉइंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के अगर पहले रखा हुआ है तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की जो लिमिटेशन है या जो इसकी कन्वर्जिंग पावर की लिमिटेशन है या जो इसके थिक होने की लिमिटेशन है वो एग्जॉस्ट हो सक चुकी होती है और ये उससे ज़्यादा थिक नहीं हो सकता उससे ज़्यादा ये थिक नहीं हो सकता इसलिए हम इससे कम की डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स पे क्लियरली नहीं देख सकते तो मैंने यहीं लिखा है सो बिकॉज सिलेरी मसल्स मेक्स दी आईलेंस मोर कॉन्वेक्स देयर बाय इंक्रीजिंग द कन्वर्जिंग पावर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए सो so,

आईलेंस मोर थिंक और कैन नॉट इंक्रीज देयर आर कन्वर्जिंग पावर मोर सो दिस इज द रीजन यही वो रीजन है कि हम सिर्फ पच्चीस सेंटीमीटर तक देख सकते हैं क्योंकि जो आई है वो इससे ज्यादा कॉन्वेक्स नहीं करा सकती अपने आईलेंस को सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द रिमेनिंग क्वेश्चन दट इज क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आय यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द टोरियल्स थैंक यू हेलो बच्चो वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस क्लास टेंथ की फिजिक्स में हम देख रहे हैं चैप्टर ह्यूमन आई का और इस वीडियो में देखेंगे पेज नंबर वन नाइन्टी सेवन वन नाइन्टी एट के ऊपर दिए गए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन से लेके क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक ठीक है so, सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू तो टाइम मिलते रहे तो क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है वॉट टू द इमेज डिस्टेंस इन दी आई वैन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी आई सो so, इसको थोड़ा सा एक बार डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन में सो सपोज दिस इज दी आई ठीक है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है सपोज तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी लेट अस ड्रा विद ग्रीन कलर पेन उसकी इमेज यहाँ बनेगी इमेज इज फॉर्मड एट रेटिना ये तो पता है आपको अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर दें तो क्या होगा लेट अस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कम करते हैं ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं तो खां बनेगी इमेज तो भी रेटिना पे बनती है इमेज तो ठीक है लेट अस से ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले जाते हैं थोड़ा दूरी पे तो खां बनती है इमेज तो भी इमेज रेटिना पे बनती है सो बाय चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग इमेज डिस्टेंस तो आपका यही रहेगा जो रेटिना का डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आईलैंड एन द रेटीना ये वाला जो यहाँ पे मैंने बनाया है विच इज फिक्स एंड कैन नॉट बी चेंजड सो वॉट हैपन्स वाला जो क्वेश्चन है इट रिमेन्स अनचेंज ठीक है नाउ देगा क्वेश्चन नंबर नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व एंड थर्टीन जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन थ्योटिकल क्वेश्चन हैं जिनकी पूरी थ्योरी विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करी हुई है जब हमने थ्योरी पार्ट कवर किया चैप्टर का सो so, मैं यहाँ पे इनका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको बेसिक बता रहा हूँ आप पूरा जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो आप उस वीडियो से भी और ज़्यादा देख सकते हो तो पहला क्वेश्चन है वाई टू स्टार्स ट्विंकल तो जो तारे होते हैं वो चमकते क्यों हैं सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली जो पोइम है वो क्यों बनी है सो so, ये क्वेश्चन है अब आंसर क्या है स्टार एमिट्स देयर ओन लाइट जो स्टार है वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं सबसे पहली बात तो एंड दे ट्विंकल ड्यू टू द एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना की वजह से ट्विंकल करते हैं तो जो स्टार होता है लेटर से इस तरह से कंसिडर करते हैं पहली बात तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है इसकी वजह से जो इसका रिफ्रेक्शन होता है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है सो द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस जो लाइट आती है इसमें वो क्या करती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है ड्यू टू चेंज इन अर्थ एटमोसफियर सो लेटेस्ट से यहाँ पर जैसे ही वो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करी इट गेट्स रिफ्रेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ठीक है सो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर करते ही ये रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्शन क्यों होती है क्योंकि दोनों एटमॉस्फेयर के अंदर जो डेंसिटी है एयर की वो डिफरेंट लेवल्स पे है ठीक है सो इट गेट्स डिफ्रेक्टेड सॉरी रिफ्रेक्टेड तो क्या होता है कि रिफ्रेक्शन के कारण जो लाइट है वो ज़्यादा ब्राइटर लगती है जितनी होती है सो लाइट कमिंग अपियर्स मोर ब्राइटर और इसी कारण से हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टेन विच इज ड्यू टू द एटमोसफेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब इसमें कहा है कि अच्छा ठीक है तारे तो करते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं करते ट्विंकल तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि बिकॉज प्लैनेट अपियर्स वेरी लार्ज इन साइज अब देखो मैंने कहा है अपीयर्स ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े होते ही हैं कोई जरूरी नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि जो स्टार्स होते हैं दे आर वेरी फार अवे देन द प्लैनेट्स सो प्लैनेट्स कंसिडरेबली थोड़े पास हैं अर्थ के सो दे आर रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ देन रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ देन स्टार ठीक है तो होता क्या है कि जैसा करिए प्लानिट हम लेते हैं सो इट हैज़ एन नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स तो बहुत ज़्यादा पॉइंट सोर्सिस होते हैं सो दीज ऑल आर पॉइंट सोर्सिस और लाइट सोर्सेस ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जब ट्विंकल करते हैं इसके तो ओवरऑल जो अपीयर होता है इस पूरे की वजह से वो जो होता है वो नलिफाई कर देता है एक इंडिविजुअल पॉइंट का ट्विंकल होना तो इसका आप कैसे लिखोगे सो ट्विंकलिंग इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट इज नल्लीफाइड ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट मल्टीपल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ठीक है क्योंकि बहुत बड़े साइज के होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपके लाइट के सोर्सेज होते हैं आप सब अगर आपके ट्विंकल कर रहे हैं थोड़े थोड़े तो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है उसमें पता लगता है कि हमें लगता है ऐसा है कि प्लेनेट ट्विंकल नहीं कर रहा सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर इलेवन अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग कि जो सन है वो थोड़ा सा लाल क्यों लगता है सुबह के टाइम पे ठीक है so, सो इसका आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या है तो देखो इसका आंसर जो है वो स्केटरिंग के फिनोमिना के ऊपर है सो so, आप लिख सकते हो सिंपल एक वर्ड में तो स्केटरिंग सो so, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की मदद मतलब से समझाता हूँ कि क्या है सो अस से दिस इज़ दी आई जो ऑब्जर्व कर रही है और यहाँ पे हमारा सन है नाउ इट इज़ ड्यूरिंग दी अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होगा तो सन जो होगा वो मॉर्निंग में कहाँ पे होता है सो इट इज़ एट दी होराइजन ठीक है सो सन इज़ नियर दी होराइजन अब जो तो लाइट है उसको ट्रेवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे करते करते जो सन है वो आपका यहाँ पे आता है धीरे धीरे ड्यूरिंग द नून तो जब यहाँ से यहाँ पे जा रहा होता है या यहाँ पे है तो इट हैज़ टू ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तो इस केस में क्या होता है जो आपकी ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर कर जाती है सो मोस्ट ऑफ़ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे तो जो लाइट बचती है मेजरली वो होती है किसकी वो होती है लॉन्गर वेव की सो ओनली लॉन्गर वेव लाइट रिमेन्स और जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट होती है किसकी रेड कलर की सो so, इसी कारण से जब अर्ली इन द मॉर्निंग में होता है तो हमें सन थोड़ा सा रेड अपीयर होता है क्योंकि जो उसकी लाइट्स होती हैं जो सन की लाइट आ रही है उसमें जो मेन कलर बचता है सुबह के टाइम पर वो बचता है सिर्फ रेड कलर और जो मोस्ट कलर्स होते हैं बाकी के वो स्कैटर्ड अवे हो जाते हैं सो दिस इज़ द रीज़न ऐसा होता है आप इन सारे क्वेश्चंस की जो मेन थ्योरी है पूरी विद एक्सप्लेनेशन वो आप मेरे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनोट अब एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो काला क्यों दिखता है डार्क क्यों दिखता है ब्लू क्यों नहीं दिखता तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज देर इज नो एटमोसफियर इन आउटर स्पेस सो देर इज नो एटमोसफियर इन आउटर स्पेस और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ही ऐसा होता है तो एटमॉस्फेयर के ना होने से होता क्या है कि जो सनलाइट होती है वो स्केटर्ड ही नहीं होती सनलाइट इज नॉट स्केटर्ड ठीक है सो स्केटर्ड नहीं होगी तो नो स्कैट लाइट रीच द आईज ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम सो सनलाइट इज नॉट स्कैट सो नो स्कैट लाइट रीच टू आई ऑफ एस्ट्रोनॉट सो स्काई अपियर्स डार्क हमें ब्लू क्यों दिखता है क्योंकि जो हमें स्केटर्ड लाइट होती है ब्लू उसके कारण हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखता है क्योंकि अर्थ का एटमोस्फेयर है जिसमें ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्केटर्ड होती है सो दिस इज द रीजन दैट Sky appears dark to an astronaut. So, this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.